मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। बाबरी मस्जिद मुनहदिम मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 माह के अंदर फैसला सुनाने और जज की मियाद बढ़ाने की हिदायत। एनआरसी पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी हुकूमत ने कहा, हिंदुस्तान को पनाह गुजीनों की राजधानी नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का सियासी तर्जुमान को मीडिया में बयान देने से रोकने वाली अर्जी पे समाअत से इनकार। चांद तारे वाले झंडे पे पाबंदी का मुतालिबा, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जवाब मांगा। बिहार के छपरा के बाद अब राजस्थान के अलवर में भी मॉब लिंचिंग, पीट पीट कर खत्म। भाई पर कार्रवाई के बाद मायावती ने पूछा, अपने गिरेबान में झाके बीजेपी, ऑफिस के लिए अरबों रुपए कहां से आए। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद मुनहदिम मुजरमाना मामले में निचली अदालत को 9 माह के अंदर फैसला सुनाने की हिदायत दी है। 6 माह के अंदर गवाहों के बयानात दर्ज होंगे। जस्टिस रोहनटन और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मामले की समाप्त कर रहे हैं। सीबीआई की खसूसी जज एसके यादव की मियाद में तोसी करने की भी हिदायत उत्तर प्रदेश हुकूमत को दी। जस्टिस यादव 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। इस केस में अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कई नाम हैं। मरकजी और आसाम की हुकूमत की एनआरसी को आखिरी शक्ल देने के लिए मुकर्रर वक्त बढ़ाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। आखिरी तारीख 31 जुलाई को खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 23 जुलाई को समाप्त की तारीख तय की है। दोनों हुकूमत ने जस्टिस रंजन गगोई और जस्टिस आरएफ नरीमन के सामने कहा, हिंदुस्तान को दुनिया के पनाह गुजीनों के लिए राजधानी बनाने नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी तर्जुमान को मीडिया में बयान देने से रोकने वाली अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया है। अर्जी में तर्जुमान और नुमाइंदी का मीडिया में जात और मजहब की बुनियाद पर बयान देने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत का मुतालबा किया गया है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के सदर वसीम रिजवी ने चांद तारे वाले हरे झंडे पे पाबंदी का मुतालबा करते कहा, इस्लाम से इसका कोई मतलब नहीं है, कशीदगी बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत करते हुए मामले पर मरकजी हुकूमत से 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब पेश करने को कहा। बिहार के छपरा में जानवर चोरी के इल्जाम में 3 लोगों का पीट पीट कर कत्ल करने के बाद अब राजस्थान में अलवर के झुराना गांव में तेज रफ्तार बाइक के बुजुर्ग खातून को टक्कर मारने के जुर्म में बाइक सवार नौजवान हरीश जाटव को पीट पीट कर मार डाला है। उत्तर प्रदेश बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार की बेनामी जायदाद पे कार्रवाई के लिए बीजेपी पे हमला किया है। उन्होंने कहा, अपने गिरेबान में झाके बीजेपी, अगर बीजेपी लीडर खुद को हरिश्चंद्र मानते हैं तो अपनी भी जांच करवाएं। इससे पता चलेगा कि सियासत में आने के बाद उनकी जायदाद कितनी बढ़ती है। मोदी और शाह से पूछा, पार्टी ऑफिस बनाने के लिए अरबों रुपए कहां से लाए, क्या ये बेनामी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के सोनभद्र में मुतासिर खानदान से मिलने जा रही थीं। इसी दौरान उन्हें रोका गया। प्रियंका की वही एहतजाज और मुजहरा पर बैठने पर हिरासत में लिया गया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हुकूमत में आम लोगों पर मजालिम के खिलाफ जल्द ही पूरे मुल्क में एहतजाज और मुजहरा किया जाएगा।
मेट्रो के अंदर गाना सुनना और फोटो खींचना मना है। मेट्रो का ये ऐलान सभी ने सुना है, लेकिन मेट्रो में ही डांस करती लड़की का वीडियो वायरल होने के बाद मेट्रो ने मजेदार रद्द अमल जाहिर किया है। DMRC ने मेट्रो में डांस करने की मना तो किया, लेकिन उसने दिलचस्प अंदाज में ट्वीट किया है। इसमें लिखा है कि आप मेट्रो में टिकटॉक वीडियो बना सकते हैं। इसका जवाब देते हुए दिलेर मेहंदी का गाना लगाया गया है, जिसमें वो ना 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 गाने पे डांस करते दिखाई दे रहे हैं। ये लड़की सोशल मीडिया पे छाई हुई है। इससे कबल उसका DTC बस में डांस का वीडियो सामने आया है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बख़ैर।